हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक चतुर्वेदी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, SBN PG कॉलेज, कलान, सुल्तानपुर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट BSc पार्ट थर्ड एंड पेपर सेकेंड, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। बट वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। बच्चों, ऐसा है कि मैं पहला लेक्चर ले चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है और सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, और सॉलिड में फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं होता है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी होता है कि नहीं होता है, और सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से सॉलिड किस प्रकार के होते हैं, और कैसे इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, तो आज हम केवल एक छोटा सा पिछला मैं बता देता हूँ, छोटा सा डिफिनेशन। केवल मैंने सॉलिड को बताया कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल आर बाउंडेड बाई स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल आर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। बाउंड होते हैं, और कैसे बाउंड होते हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाउंड होते हैं। ठीक, लेकिन सॉलिड टू टाइप्स का होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से। नंबर एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर टू होता है MRF सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन शब्द से ही क्लियर होता है कि क्रिस्टल का अरेंजमेंट, जो भी क्रिस्टल है उसका अरेंजमेंट जो होता है वो क्या हो, रेगुलर हो। ठीक, तो ऐसा सॉलिड बच्चों कि जो जिसका अरेंजमेंट क्या हो, रेगुलर हो और रिपीटेड पैटर्न में हो, रेगुलर हो और रिपीटेड पैटर्न में हो, ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक, अब बात आती है एमॉर्फस का। तो जाहिर सी बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बट एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है, जिगजैग टाइप के उसके अरेंजमेंट होते हैं। फिलहाल आज हम बात करते हैं, तो मैंने ये भी बता दिया आपको, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बता दिया था कि सॉलिड में जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, वो लो फ्लेक्सिबल होता है, इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, इसके बाद आपका जो है डिफ्यूजन पावर क्या होता है, लो होता है, डिफ्यूजन पावर भी उसका लो होता है। तो सॉलिड के जो भी चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज थी, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया। आज हम शुरुआत करते हैं लैटिस से। ठीक, लैटिस, तो आपके मन में आ रहा होगा कि लैटिस होता क्या है। ठीक, सर ने बोल दिया लैटिस, तो लैटिस होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं, लैटिस कुछ होता नहीं है। लैटिस क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन इज नोन एज लैटिस। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, कह लीजिए पॉइंट इन 3D इज नोन, इज कॉल्ड एज लैटिस, लैटिस। ठीक, तो बात करते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D इज कॉल्ड एज लैटिस। तो लैटिस मैं आपको समझा रहा हूं कि लैटिस होता क्या है। लैटिस क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल का जो क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो बाउंड होते हैं, अब पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या हो, 3D में हो और जो है रेगुलर हो। जैसे हम आपको फिर से समझा रहे हैं, यहां देख लीजिए, रेगुलर हो उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। जैसे देखिए, कोई पार्टिकल है, सपोज करिए दिस पॉइंट है हमारा, पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इस तरीके से हम इसको रेगुलर शेप में
दे देते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में हम रख देते हैं। आपके मन में एक विचार और आ रहा होगा कि सर ने तो इस वाले को ऐसे बनाया, इसके बाद ए तो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊं, रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो कई तरीके से होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई मिठाई दे दिया, लड्डू दे दिया किसी मिठाई के डिब्बे में रखने के लिए, और बोला जाए आपको कि सही तरीके से आप रख दीजिए, तो क्या करते हैं? पहले तो एक 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 रख दिए, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर या तो उसके ऊपर रखे रेगुलर अरेंजमेंट में, या तो दो लड्डू के बीच में एक लड्डू रखे, यही तो होता है। तो इस तरीके का भी एक अरेंजमेंट होता है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो देखिए, ये अरेंजमेंट जो है हमारा ये क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है, ठीक। और इसके जो ये पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट। हमारे जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं, क्या पॉइंट या पार्टिकल कह लीजिए, पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। और इनको एक रेगुलर पैटर्न में रखा जाए, थ्री डी की तरह, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस कहते हैं, ठीक। अब सेकेंड जो बात आता है वो बात आता है हमारा यूनिट सेल। अभी हमने आपको बताया कि लैटिस क्या होता है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको यूनिट सेल क्या होता है, ठीक। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट फ्रॉम लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, ठीक। तो क्या होता है कि जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल का स्मॉल पार्ट, यूनिट सेल को रिपीट करने के बाद लॉन्ग नंबर ऑफ रिपीटेशन पे एक क्या होता है, लैटिस तैयार होता है। जैसे हम आपको एक चीज बताएं, देखिए एक ईटा हो, ईट आप देखेंगे नहीं देखें, ईटा जिसे हम लोग कहते हैं ईट, एक ईट से एक दीवाल बन जाती है, बनता ही नहीं बनता, एक ईट से एक दीवाल बन जाता है। तो ईट हमारा वहां पे यूनिट सेल हुआ, और दीवाल हमारा पूरा क्या हो गया, हमारा हो गया दीवाल लैटिस। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमने तो यही बनाया था अभी तक, हमने लैटिस अभी यही बनाया था, ठीक, हमने लैटिस यही बनाया था। अब देखिए, यही अभी इसके पहले लैटिस हमने यही बनाया था, ठीक। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम आपको दिखाते हैं, हम अगर इस लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, ठीक, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, चलिए, और इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं, इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं, इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं, यहाँ ऐसे मिला देते हैं, ठीक। अब देखिए, एक ईट तैयार हो गया कि नहीं हो गया, एक यूनिट सेल तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं क्या, यूनिट सेल, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो केवल एक ही यूनिट सेल है, आपने कहा है कि कई स्मॉल यूनिट सेल मिला के एक लैटिस बनता है, तो आपने अभी लैटिस जो बनाया है उस लैटिस में केवल एक ही यूनिट सेल है, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, यहाँ से ऐसे मिला दें, ठीक, और इसको इस पॉइंट से मिला दें, इसको इस पॉइंट से मिला दें, और इसको इस पॉइंट से मिला के यहाँ मिला के यहाँ मिला दें, तो हम कहेंगे ना ये सेकेंड यूनिट सेल हो गया, सेकेंड यूनिट सेल हुआ कि नहीं हुआ। मींस एक यूनिट सेल तो ये हो गया, दूसरा यूनिट सेल ये हो गया, मतलब एक ईट तो पहले से लगा है, दूसरा ईट यहां पे लग गया, ठीक। तो इस तरीके से ईट के कॉम्बिनेशन से एक हमारा दीवाल जो बनता है, हम उसे कह सकते हैं कि दिस इज द लैटिस, ठीक। तो देखिए, एक यूनिट सेल यहां, एक यूनिट सेल यहां। अब आप कहेंगे सर अब तो नहीं बचा, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करा दूं,
कि जो लैटिस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसके आगे भी कहीं एक होगा, यहाँ भी कोई एक होगा, ठीक, यहाँ भी कोई एक होगा, यहाँ भी कोई एक होगा। तो अगर हम यहां से ऐसे मिलाते चले जाए इस तरीके से, तो हमारा ए मिलता चला जाएगा, ठीक। यहां ये हमको मिलता चला जाएगा, ठीक। तो यूनिट सेल क्लियर हो गया। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से लैटिस को बताया और इसके बाद मैंने आपको यूनिट सेल को भी बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यूनिट सेल जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। मैं आपको एक बार बेसिकली बता देता हूं, फिर यहां पर बताऊंगा। यूनिट सेल टू टाइप्स के होते हैं। वन तो होता है पिरिमिटिव सेल, पिरिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, क्या कहते हैं उसे, पिरिमिटिव और सिंपल क्यूबिक। और जो दूसरा होता है, दूसरा यूनिट सेल होता है, उसे कहते हैं नॉन पिरिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि नॉन पिरिमिटिव, पिरिमिटिव सेल और इसे कहते हैं नॉन पिरिमिटिव सेल, ठीक, और इसे ही कहते हैं सिंपल, सिंपल क्यूबिक और इसे कहते हैं सेंटर्ड, सेंटर्ड, सेंटर्ड सेल, यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, यहां यूनिट लगा दीजिएगा ऐसा अच्छा रहेगा, यूनिट, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं, पिरिमिटिव की बात अगर आ जाए आपके पास तो आप ऐसे समझिएगा कि पिरिमिटिव मतलब होता है कि ऐसा क्यूब, क्यूबिक, ऐसा क्यूबिक जिसके अंदर एटम्स की संख्या कितनी हो, केवल ओनली वन हो, एटम्स का संख्या केवल ओनली वन हो, उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। और ऐसा क्यूबिक जिसके अंदर एटम्स की संख्या कितना हो, एटम्स की संख्या वन से ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं नॉन पिरिमिटिव। सिंपल सी बात है, आप ऐसे रखिए, आप ऐसे याद रखिएगा, जिसमें एटम्स की संख्या वन हो उसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक, और जिसमें एटम्स की संख्या एक से ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पिरिमिटिव, ठीक। अब ए कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं तीन प्रकार के, लेकिन हमें जानना कितना है, दो ही प्रकार, ठीक। एक होता है हमारा फेस सेंटर्ड, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, और जो तीसरा होता है इंड सेंटर्ड, सेंटर्ड, ठीक। तो आज हम केवल इस पे चर्चा करते हैं और आपको सिंपल क्यूबिक बता भी देंगे कि क्या होता है। तो देखिए, जब बात करते हैं अगर सिंपल क्यूबिक का, तो सिंपल क्यूबिक एक ऐसा क्यूबिक होता है जिसके कॉर्नर पे एक एक एटम्स का अरेंजमेंट होता है, कॉर्नर पे एक एक एटम्स का अरेंजमेंट होता है, और सब मिला के उसका, उसके अंदर एटम्स की संख्या जो होता है वो कितना होता है, वन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक और पिरिमिटिव सेल, ठीक। और जो नॉन पिरिमिटिव होता है उसके थ्री टाइप्स होते हैं। नंबर एक जो है हमारा फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड पे जो क्या होता है कि फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक होता है
उसे हम बता रहे हैं आपको कि फेस सेंटर में कोई क्यूब हो उसके फेस पे एक एक एटम फेस पे और एक एक एटम्स उसके सारे कॉर्नर पे होते हैं, एक एक एटम उसके सारे कॉर्नर पे और एक एक एटम उसके सारे फेस पे होता है, उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड की अगर बात हम करें तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर एटम तो होता ही है, मींस एट कॉर्नर एटम उसके एट कॉर्नर पे लगता है प्लस एक एटम उसके जस्ट बीच में जाके अरेंजमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। अब बात आती है इंड सेंटर्ड, जो कि आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर में नहीं जानना है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इंड सेंटर्ड होता क्या है। इंड सेंटर्ड में होता है भैया, सीधा सीधा आप समझिए कि कॉर्नर पे एक एक एटम्स का अरेंजमेंट तो है ही प्लस उसके दो फेस पे अपोजिट फेस, मतलब अगर यहां कोई एक एटम फेस पे लगा है तो एक एटम इसके जस्ट अपोजिट साइन में यहां पे लगा हुआ है, ठीक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक का, ओनली केवल सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक होता क्या है हम आपको समझा देते हैं। चलिए यूनिट सेल हमारे ख्याल से कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब हम आपको बता दें कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है। चलिए सिंपल क्यूबिक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसके सभी कॉर्नर पे एक एक एटम्स का अरेंजमेंट होता है। चलिए क्या होता है इसमें, इसमें अब एक क्यूब हो गया, एक यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है। अब एक क्यूब में क्या होता है कि एक कॉर्नर पे एक एटम्स, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं जनरली इस तरीके का अरेंजमेंट यहां पे होता है, मीन्स सभी कॉर्नर पे एक एक एटम्स लगे होते हैं, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक एक एटम सभी कॉर्नर पे लग रहे हैं, तो आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर ने बताया कि ओनली वन एटम इन सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक जो होता है उसके अंदर केवल एक एटम्स होते हैं, तो यहां पे तो सभी कॉर्नर पे एक एक एटम्स लगे हुए हैं, तो टोटल मिला के देखे तो एट एटम्स है, नहीं एट एटम्स का अरेंजमेंट तो है ही, बट उस एक एटम का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है हमको इससे मतलब है। तो देखिए जरा कैसे हम लोग निकालेंगे, अगर हम बात करें कि इस कॉर्नर एटम का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जरा सा हम बढ़ा देते हैं। चलिए ऐसे भी तो कोई हम भाई इमेज कर सकते हैं कि ऐसे भी तो कोई एक यूनिट सेल होगा, ऐसे भी तो कोई एक यूनिट सेल होगा, ये भी तो कोई एक यूनिट सेल होगा। तो मींस इसका देखिए अभी क्या हुआ कि यहां पे इतना भाग इसके अंदर यहां पे चलाया और इतना भाग इसके इसमें चलाया, तो इसमें अब आपको दिख रहा है ना कि एक एटम्स का कुछ भाग कम हुआ। अब देखिए इसी तरीके से क्या ऊपर भी तो हो सकता है। देखिए यहां पे हम कर दिए, मींस एक दो तीन चार, चार तो यहां और चार इसके पीछे। जैसे हम आपको एक चीज और समझा दें, जैसे आप समझिए कि कोई एक मकान एक कमरा बन रहा है, सपोज करिए एक कमरा है, एक कोई कमरा है आपका सपोज करिए, तो क्या इस दीवाल से और इस कॉर्नर से कितने और कमरे बन सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि चलिए एक कमरा यहां हम बना सकते हैं और एक कमरा हम यहां बना सकते हैं और एक कमरा हम यहां बना सकते हैं, मींस एक दीवाल से चार कमरा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर एक दीवाल से
चार कमरा बन सकता है, तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हुआ। अब अगर करें फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो इसके ऊपर भी तो बन सकता है, तो कॉर्नर तो हमारा यही है, कॉर्नर तो हमारा यही है। अब इस कॉर्नर पे कोई एक एटम्स लगा हुआ है तो इसका 1/8 पार्ट इसमें, 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 इसमें और 1/8 इसके ऊपर वाले चारों में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें तो यहां पे सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें तो यहां पे हम देखते हैं कि 8 एटम, टोटल कितने एटम्स हैं 8, और 8 एटम्स का 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट कहां जा रहा है, एक क्यूब में, ठीक। तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, तो 1 एटम कितना हुआ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1 इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो यहां से हम लोग ये निकाल लिए। अब देखिए इसकी बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का, बात इसका आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम आपको बताएंगे। और इसके बाद एक बात और आता है इसमें कि एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन उसका ज्यादा होता है। एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एपीएफ जिसे बोलते हैं, तो एपीएफ है क्या, एपीएफ का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे समझिए कि किसी कमरे में कोई एक अगर बच्चा है तो वह ज्यादा बाउंड होगा कि 100 बच्चे जिस कमरे में है वो ज्यादा बाउंड होगा। एक बच्चे वाले में तो जगह ज्यादा होगा ना, जगह ज्यादा बच्चे का, तो वो लूजली पैक्ड होगा, कितना उसका पैकिंग है। तो पैकिंग ये बताइए, सिंपल क्यूबिक में तो केवल ओनली 1 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल केवल 1 है। हम बात करें अगर सिंपल क्यूबिक का, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1 है। लेकिन अगर यही बात हम कर लें बीसीसी की, बॉडी सेंटर्ड की, और एफसीसी की, तो एफसीसी में तो 1 से ज्यादा है। तो अभी तो हम बीसीसी और एफसीसी की बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो हमको पता है कि 1 से ज्यादा है, तभी तो उसे नॉन पिरमिटिव कहा गया है। अब जब वो नॉन पिरमिटिव है तो सिंपल सी बात है कि जब वो नॉन पिरमिटिव है तो उसका एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन एपीएफ ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द सिंपल क्यूबिक, ठीक। अब देखिए अगर हम एपीएफ की बात करें, यहां पे हम अगर एपीएफ निकाल लें इसका, सिंपल क्यूबिक का, चलिए निकाल लेते हैं। अगर हम सिंपल क्यूबिक का एपीएफ निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एपीएफ एपीएफ तो देखिए एपीएफ में टोटल कितना एटम्स है उसका वॉल्यूम, टोटल कितना एटम्स है उसका वॉल्यूम, और किस में है उसका वॉल्यूम, ठीक। तो बात देखिए, बात करते हैं अगर, तो एक एटम्स हमारा, एक एटम्स हमारा सिंपल क्यूबिक में है, तो एटम्स का हम अगर वॉल्यूम देखें तो हम कहेंगे 1 × 4/3 पाई आर क्यू, और यहां बात करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि एक यूनिट सेल का जो क्यूब होता है, क्यूबिक होता है, उसका वॉल्यूम ए क्यू होता है। अब हम इसको आर को अगर क्यू के फॉर्म में निकाल लें तो देखिए एक चीज समझिए आप कि यही तो हमारा एक क्यूब था, और उसके कॉर्नर पे ही तो एक एक एटम्स लगे थे, इस तरीके से लगे थे, अगर हम बात करें तो ए डिस्टेंस हमारा ए है और ये तो रेडियस आर है,
तो हम अगर बात यहां कर ले तो कहेंगे कि A इक्वल टू क्या कहेंगे, 2R। तो R की वैल्यू अगर निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, A बाई 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन अबव इक्वेशन। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा दिस इंप्लाई दैट 4/3 पाई आर क्यू, मतलब हो गया हमारा ए क्यू बाई 8 इंटू ए क्यू। यहां से तो ए क्यू कैंसिल हो गया यहां से, तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया यहां पे पाई बाई 6। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.52। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइड है 52% निकला हमारा क्या, एपीएफ। तो एपीएफ क्या मिला हमको, 52%। तो 52% होता है एपीएफ, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में हमारा एपीएफ क्या होता है, वो 52% होता है। तो 52% होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज लूजली बाउंड। ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। और लूजली बाउंड होने की वजह से ये हमारा इसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड ये क्या होते हैं, वो ज़्यादा उसके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इसके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, 52% होते हैं, जो कि कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज लूजली बाउंड इन कंपेरिजन टू द एफसीसी एंड बीसीसी। अब देखिए इसके हम एक बात और कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक का, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं यहां से कि जो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है कि सभी कॉर्नर पे एक एक एटम्स होता है, लेकिन एक एटम्स का 1/8 पार्ट ही क्यूब के अंदर होता है, बाकी पार्ट जो है दूसरे क्यूब में होता है, मतलब दूसरे यूनिट सेल में होता है। तो एक यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8 पार्ट होता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1/8 जो है 8 जगह से आ रहा है, तो हम कह लेंगे कि 1/8 × 8, तो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, तो 1 हो जाता है वहां से। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिमिटिव सेल है सिंपल क्यूबिक होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव जो होता है प्रिमिटिव में प्रिमिटिव की बात ही यही होती है कि उस जिसके अंदर केवल एक यूनिट हो उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव, मतलब एक एटम्स हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक, तो चलिए बात हम कर लेते हैं कि 1/8 हमको सभी कॉर्नर से मिल रहा है, और कहाँ से, 8 कॉर्नर से मिल रहा है, कितना पार्ट, 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल अगर हम कर दें तो देखा जाए तो 1 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हम बात करें इन सिंपल क्यूबिक तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होता है। और इसका एपीएफ जो होता है वो क्या होता है, एपीएफ हमारा 52% होता है। अभी हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि दिस इज 52% हो गया। अब चलिए एक बात और बता दें, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर जरा सा हम आपको बता दें। केवल कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह होता है कि उसके नंबर ऑफ नियरेस्ट और नेबरिंग कितने एटम्स हैं इक्वी डिस्टेंस पे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यही होता है कि उसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग कितने एटम्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे, आज बस यहीं तक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बीसीसी एफसीसी बताएंगे। थैंक्स।